हाय दोस्तों, मैं अंशुमान सिंह आपका पुनः एक बार अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पीछे हम लोग देख चुके हैं मनोविज्ञान और शिक्षा, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। अब आगे हम लोग देखेंगे आज अनुवांशिकता एवं पर्यावरण क्या है, तो आइए उसके बारे में देखते हैं। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण, हम पहले अनुवांशिकता के बारे में देखते हैं। अनुवांशिकता होती क्या है? तो अनुवांशिकता की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, ये क्या होती है? तो देखिए, मानव जीवन की शुरुआत माना जाता है कोष से। मानव जीवन की शुरुआत जो हो जाती है किससे होती है? कोष के द्वारा शुरू हो जाती है, सेल से। सेल से हमारा पहले जायगोट बनता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? जायगोट। जायगोट कैसे बनता है? तो ये दो बीज कोषों के द्वारा इसका निर्माण होता है। जायगोट का जो निर्माण होता है, दो बीज कोषों के द्वारा या दो जर्म सेलों के द्वारा। ये जर्म सेल क्या होते हैं? ये हमें मिलते हैं माता और पिता के द्वारा। ये हमें माता और पिता के द्वारा मिलते हैं। माता से जो है हमारे मिलता है मातृकोष, और पिता से हमारा मिलता है पितृकोष। पितृकोष से हमको मिलता है स्पर्म या शुक्राणु, और माता से निकलता है अंडाणु या ओवा। यही जा करके आगे जो फ्यूजन होता है, इन दोनों में प्रक्रिया होती है जिसको गर्भाधान कहते हैं। गर्भाधान के बाद जो निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है, उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। मतलब हमारा पोलिनेशन का काम यहीं से शुरू हो जाता है। इसके द्वारा जायगोट जो होता है या भ्रूण में बदल जाता है। जायगोट किस में बदलेगा? भ्रूण में बदल जाता है। भ्रूण जिसको एम्पिरिया कहते हैं, यहाँ से जब भ्रूण में बदलेगा तो भ्रूण का धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट किस रूप में होगा? तो कोषों का विभाजन शुरू हो जाएगा। कोषों का विभाजन शुरू हो जाएगा। कोषें क्या हो जाएंगी? विभक्त होने लगेगी। किस रेशियो में होती हैं? तो ये होती हैं, पहले दो में होगी, फिर चार, फिर आठ, फिर सोलह, फिर बत्तीस, इस तरह से 64, इस तरह से होता जाता है। सपोज करिए कि ये है कोई सेल, दो में टूटी, ये सेल अगले फिर दो में टूटेगी, ये सेल आगे और दो में टूटती जाएगी। इस तरह से ये सेल क्या है? आगे बढ़ती चली जाती है, और ये प्रक्रिया आपका बढ़ता चला जाता है। तो ये एक रेशियो जो है, दो, चार, आठ, सोलह, बत्तीस, 64, इस तरह से आगे क्या होता जाएगा? कोषों का विभाजन शुरू होता जाएगा, और जो भ्रूण का क्या होता जाएगा? डेवलपमेंट होता चला जाएगा। ये डेवलपमेंट जो है, जब हमारा होगा यहाँ से धीरे 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 धीरे, तो आगे देखिए, ये माना गया है कि जब इन्हीं से हमारा आगे बढ़ता है, तो परीक्षण के द्वारा सिद्ध हो चुका है कि इसके दौरान हमें माता और पिता से 23-23 वंश सूत्र प्राप्त होते हैं। वंश सूत्र मतलब उन्हीं को क्रोमोसोम कहते हैं। वंश सूत्र मतलब वो होते हैं जो हमारे वंश से हमको मिलते हैं, मतलब परंपरा के अनुसार हमारे वंश से मिलेंगे, और वही हमारे अंदर क्या होंगे? आते जाते हैं, उसके अनुसार हमारा उसी तरह से एक्टिविटी वगैरह हमारी वंश या परंपरा की उसमें इंक्लूड होती रहेगी। तो देखिए, क्रोमोसोम क्या होते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि 23 जोड़े हमको क्रोमोसोम मिलते हैं। किससे? पैतृक जीन्स के द्वारा। इन पैतृक जीन्स में जो जीन्स होते हैं, उनका काम क्या होता है? तो यही पैतृक जीन्स से हमारा निर्धारण होता है कि जो जायगोट, जो भ्रूण है, वो बच्चा है, वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो होता क्या है कि देखिए, पिता से हमें मिलते हैं एक्स और वाई जीन्स, और माता से मिलते हैं एक्स और एक्स। तो जब ये क्या होता है कि ये पिता का एक्स और माता का एक्स, अगर ये प्रभावी रूप से क्या होंगे, इसमें अगर एक्टिव हो जाएंगे या क्रियाशील हो जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा एक्स एक्स। और अगर ये पिता का वाई और माता का एक्स जो है प्रभावित हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई बन जाएगा। यही अगर पिता का वाई इस माता के इस वाले एक्स से कर दिया, तब भी जो है हमारा क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। ये पिता का एक्स और ये इससे हो जाएगा, तो क्या होने की संभावना रहेगी? एक्स जो होने की संभावना रहेगी। तो ये जो एक्स और वाई बनेगा, यही हमारा मेल होता है, और जो एक्स एक्स होता है, यही हमारा फीमेल होता है। तो इसमें निर्धारण जो है, देखिए, बच्चे का मेल या फीमेल होना, वो निर्धारण करना किसका वो है? वो पिता का, ये वो तब पिता इसके लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पांसिबल होता है। माता का उसमें कोई रोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसमें रोल जो है कि लड़का होगा या लड़की होगा, ये डिपेंड करेगा पिता पर। यदि पिता का वाई वाला जो आपका वो है, क्रोमोसोम है, वो ज़्यादा एक्टिव है, और उसने जाकर के पहले जो है इससे क्रिया कर लिया, तो आपका लड़के होने की संभावना है। और अगर वो इनएक्टिव है या सुस्त है और ये ज़्यादा एक्टिव है, तो लड़की होने की संभावना रहेगी। तो हमारे समाज में देखिए जो है, ये इस तरह की चीज़ें हैं, धारणाएं फैली हुई हैं कि लड़की हो रही है तो उसके लिए माता को कोसा जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए पूरा पूरा जिम्मेदार पिता है। ठीक, आगे देखिए। अब इसके बाद जो है, ये जो क्रोमोसोम मिलते हैं हमारे, यहाँ से ये मेल और फीमेल का निर्धारण हो जाता है। फिर जब आगे चलते हैं, तो जीन्स का 1950 में खोज की गई, और ये माना गया कि ये जो मुख्य रूप से दो जैविक अणुओं का योग होता है, संयोग होता है या मिल करके बना होता है, वो दोनों जो है आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो क्या होते हैं? तो एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी
राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये देखिए, ये जो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इससे क्या होता है, ये जो जीन्स होते हैं या इसके द्वारा जो रहते हैं, ये हमारे वंश परंपरा को निर्धारित करता है। या इससे जो है, अगर सपोज करो कहीं देखे होंगे आप, डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है, तो कि ये निर्धारण करना कि इस बच्चे का पिता कौन है या इस पिता का ये बच्चा है कि नहीं है, इसका निर्धारण कर ले, यही डीएनए का ही सहारा लिया जाता है। देखिए कभी कभी कोर्ट वगैरह में मामला जब डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसके लिए कोर्ट यही चेक करने के लिए करती है कि उनका डीएनए टेस्ट किया जाएगा। जैसे देखिए अभी हाल ही का एग्जांपल है एनडी तिवारी, उनके बच्चे का लेकर के जो है कुछ इस तरह का मामला था, वो मानने को तैयार नहीं रहे थे, कोर्ट के द्वारा आखिर निर्धारण हुआ, उसके बाद टेस्ट हुआ, फिर रात में अंत सिद्ध हुआ कि ये उन्हीं के बच्चा है। तो इस तरह से क्या होता है, डीएनए के द्वारा ये क्लियर हो जाता है कि पिता बच्चे का कौन है या इस पिता का ये बच्चा है या नहीं है। आरएनए के द्वारा क्या होता है कि ये जो जीन्स वगैरह रहते हैं, हमारी वंश परंपरा से कुछ गुण हमें मिलते हैं। ये किस तरह के मिलेंगे, तो भौतिक गुण वगैरह मिलते रहेंगे, और इससे क्या मिलेगा कि हमारा जो है, जो परंपरा के द्वारा जो दिए गए हैं, वो इनडायरेक्टली आपको सभी गुण मिलते चले जाते हैं। इसको ये माना जाता है कि ये जो हमारे ट्रांसफ़र होने का है, जो गुणों का ट्रांसफ़र होता है एक वंश से अगले वंश में, उसका रेशियो ये माना गया है कि यदि मान लीजिए कि हमारे माता पिता हैं, तो माता पिता से हमें 50% उनके गुण मिलने की संभावना है। माता पिता वाली जो पीढ़ी रहेगी, इस पीढ़ी से 50% गुण इस बच्चे को मिलने की संभावना है। यदि यही एक पीढ़ी और नीचे चला जाए, जो दादा दादी वाली पीढ़ी होगी या नाना नानी वाली जो पीढ़ी होगी, उससे या उनके गुण जो है 25% इस बच्चे में आने की संभावना रहेगी। उससे एक पीढ़ी और अगर आप नीचे चले जाते हैं, तो परदादा या परदादी, तो इनके जो भी गुण रहे होंगे, उन गुणों का इस बच्चे में मिलने की संभावना 12.5% होती है। मतलब ये क्या हो रहा है, और उसका आधा, जितने पीढ़ी हम नीचे चलते जाएंगे, उसका क्या होता जाएगा, आधा होता जाता है। डाल्टन ने भी अपने सिद्धांत से इसको सिद्ध किया कि अगर हम मान लो पहले पीढ़ी में हैं, तो हमें 1/2 मिलने की संभावना है, उसके पिछली पीढ़ी के जो गुण है वो हमें 1/4 में मिलने की संभावना है, उसके पिछले पीढ़ी के जो गुण होंगे वो 1/8 के रेशियो में हमें मिलेंगे, या उसके पीछे के और होगा वो 1/16। इस तरह से क्या होता है, जितने पीछे की पीढ़ियों में जाते जाएंगे, आपको उनके गुणों के मिलने का परसेंटेज कम होता जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा जरूर। इसको हम लोगों ने देखा अनुवांशिकता का क्या है, प्रक्रिया क्या है, कैसे अनुवांशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं कि अनुवांशिकता को लेकर के विचारकों का क्या अपना अपना मत है। उन लोगों ने अपनी अपने शब्दों में अनुवांशिकता को डिफाइन किया हुआ है, जिसको हम आगे देख रहे हैं। देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि जीन्स क्या होते हैं, अनुवांशिकता में कैसे आते हैं, जीन्स का क्या रोल है, बल्कि एक विचारक थे मन, उन्होंने जीन्स को इस तरह से भी डिफाइन किया गया था कि जीन्स क्या होता है, वो रसायन का एक ऐसा पैकेट होता है जो वंश सूत्र में एक माला में जैसे उसके दाने पिरोए गए रहते हैं, इस तरह से वो पिरोए गए रहते हैं, वंश सूत्र के साथ पिरोए गए रहते हैं जीन्स, जो क्या कहते हैं, एक माला का रूप लेते हैं। इसी तरह से आगे अब अनुवांशिकता के बारे में विचारकों ने क्या कहा है उसको देखिए। तो पहले विचारक थे जेम्स ड्रेवर, उन्होंने कहा कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना ही अनुवांशिकता है। इसका मतलब क्या है, उन्होंने ये कहा कि सपोज करो जो बच्चा है या जो संतान है, उसमें शारीरिक और मानसिक, मान लीजिए बच्चा पैदा हो रहा है, तो देखे होंगे बच्चा होने के बाद लोग कहते हैं ये इसका चेहरा अपने माँ को पड़ा हुआ है, वो शारीरिक में आ गया। कहेंगे इसका जो है कलर इसके माँ को पड़ा हुआ है या इसके पिता को पड़ा है, ये सब किस में आ जाएगा, शारीरिक में आ जाएगा। फिर देखेंगे तो कुछ करने के बाद जब थोड़ा सा कोई एक्टिविटी करता है, तो कहते हैं ये अपने पिता की तरह गुस्सैल है, या अपने माता की तरह जो है गुस्सैल है, या अपने माता की ही आदतों को ये भी अडाप्ट कर रहा है, या कहते हैं अपने पिता की तरह ये इंटेलिजेंट है, या उन्हीं की तरह क्या है, इंटेलिजेंट नहीं है, बुद्धू है, ये सब वर्ड जो यूज करते हैं, ये क्या है, ये आ जाएगा आपका शारीरिक और मानसिक विशेषताओं में। आखिर इस बच्चे को ये मिला कहाँ से, तो उसके माता पिता के द्वारा क्या हुआ, हस्तांतरित हुआ, मतलब ट्रांसफ़र हुआ, ये इनके कहने का मतलब है। तो अनुवांशिकता क्या हुई कि माता पिता के द्वारा बच्चे को शारीरिक या मानसिक दोनों में से किसी भी तरह का अगर विशेषता बच्चा पा रहा है अपने माँ बाप से या अपने पूर्वजों से, तो वही क्या कहलाएगा, अनुवांशिकता कहलाता है। किनके लैंग्वेज में, जेम्स ड्रेवर के शब्दों में। दूसरे विचारक थे रूथ बनेडिक्ट, इन्होंने ये कहा
माता पिता से संतान से हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिकता कहते हैं। इनका भी देखिए इनडायरेक्टली बात वही है, इन्होंने ये बोला कि जो माता पिता का लक्षण है वो माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वही ट्रांसफर होने वाले लक्षणों को आनुवंशिकता कहा जाता है। जैसे वही मैंने बताया, इसके पिता मान लीजिए हो सकता है किसी की बात ना मानते हों, अपने आगे अपने ही जो भी मतलब अपना डिसीजन लेते थे उसी पर क्या करते थे, वर्क करते थे, तो बच्चा भी देखते होंगे कभी कभी किसी का ऐसे करता है तो लोग घर के लोग कहते हैं ये अपने पिता की तरह जो है किसी की बात सुनता नहीं, जैसा होता है वैसे ही होता है। कोई बच्चा होगा उसका पिता मान लीजिए क्या होगा, कम बोलते होंगे, सबके साथ मिक्सअप नहीं होते होंगे, बच्चा देखेंगे वही चीज़ अगर आदत अपनाया हुआ है कि किसी जा रहा है किसी के साथ सबसे बोलता बतियाता नहीं है, कम रब बोलता है, तो लोग कहते हैं देखो अपने पिता की तरह क्या है, कम बोल रहा है, रिजर्व रहता है, बहुत कम लोगों के साथ मिक्सअप होता है। आई बस उन कोई बच्चा ऐसा है कि वो क्या करेगा कि जिससे होगा उसी से मान लीजिए कि मिलने रहेगा, सबके सामने बोलता रहेगा या पढ़ेगा या लिखेगा, जिस भी फील्ड में होगा अपना एक्टिविटी अगर ज़्यादा दिखाएगा तो घर के लोग तुरंत बोलते हैं या तो ये अपने दादा का गुण पाया हुआ है या अपने चाचा का गुण पाया हुआ है या मामा का या नानी का, किसी का ना किसी का गुण उसमें क्या कहता है कि लक्षण पाई जा रही है, इसका मतलब वो लक्षण किससे मिला उसको, आनुवंशिकता की वजह से। तो यही है आनुवंशिकता की, क्या हो रहा है, माता पिता या पूर्वजों के जो भी लक्षण है वो बच्चे में ट्रांसफर होना ही आनुवंशिकता कहलाता है। आगे देखिए एच ए पीटरसन ने ये कहा, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे ही आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। देखिए वही चीज़ है, क्या हुआ, बच्चा जो होगा अपने माता पिता से या तो पाएगा या अपने पूर्वजों का, तो पूर्वजों से डायरेक्ट तो पाएगा नहीं, पूर्वजों के कुछ गुण आएंगे माता पिता में, माता पिता से जो गुण होंगे वो आएगा बच्चक में। तो ये क्या हो रहा है, अपने पूर्वजों का गुणों का बच्चे के अंदर ट्रांसफर होना माता पिता के थ्रू, वही क्या कहलाएगा आपका, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहलाता है। अगले विचारक थे वीएन झा, इन्होंने कहा कि आनुवंशिकी व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। इसका मतलब देखिए कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो हम क्या करते हैं, पैदा होने के बाद अपने से सीख करके अपने अंदर एडाप्ट करते हैं। अब कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं हमारी जो बाय बर्थ होती हैं, जैसे हम पैदा होते हैं तो वहीं से हमें वो गुण क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो यही इनका कहना है कि आनुवंशिकी क्या है कि जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो उसको अपने परंपराओं से जो पूर्वज हैं उनसे जो भी गुण मिल जाते हैं वो सभी गुणों का ये क्या होता है, संयोग होता है या सम होता है। अब जैसे मान लीजिए उसका क्या है, कलर कैसा होगा, वो किस तरह उसका हाथ पैर कैसे होंगे, उसकी मानसिकता कैसी होगी, ये सब क्या है अपने पूर्वजों से वो पाता है। सांवला होगा बच्चा, गोरा होगा बच्चा, लंबा होगा छोटा होगा, ये सब क्या है, ये सब अपने किससे पा रहा है, पूर्वजों से पा रहा है। लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जो बाद में जा करके हम क्या करते हैं, उपार्जित करते हैं या अर्जित करते हैं, तो वो गुण अलग होते हैं। क्लियर हो गया, ये रहा है आपका आनुवंशिकता या आनुवंशिकी क्या होती है। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे पर्यावरण क्या होता है। थैंक यू दोस्तों, देखिएगा वीडियो कैसा आपको लगे, ज़रूर कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको जो एक न्यू वीडियो के साथ आगे मिलूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।